हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि आप छोटे से छोटे कप में कैसे प्लांट को लगा सकते हैं। देखिए, मेरे घर में भी कोई भी कप खराब हो, टूट जाए, बस उसका अगर हैंडल टूट जाता है या हल्का सा ऊपर से वो टूट जाता है तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, उसमें प्लांट लगा लेती हूँ। जैसे जिस हिसाब का कप होता है मैं उस हिसाब का प्लांट लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे जो कप होते हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, जैसे ये देखिए, ये कॉफ़ी मग है, ये यहाँ से थोड़ा सा टूट गया था और नीचे से भी थोड़ा सा टूट गया था। फिर मैंने इसमें क्या किया कि इसमें मैंने ये देखिए यहाँ पर एक छेद करवा लिया ड्रिल मशीन से, और उसके बाद मैंने इसमें ये देखिए हावलचिया लगा दिया। देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ये देखिए, ये सेरेमिक के होते हैं तो क्या होता है कि आप अगर इसमें छेद नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें पानी जमा हो जाएगा, और पानी अगर जमा हो जाएगा तो प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इसमें या तो छेद करा लीजिए या फिर नीचे ढेर सारी बजरी रख दीजिए। ढेर सारी बजरी रखने से क्या होगा कि नीचे का एरिया में पानी जमा होगा पर प्लांट तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर छेद करके मैं तो सारे प्लांट्स लगा लेती हूँ, मेरा कोई भी कप वेस्ट नहीं होता। या फिर अगर मान लीजिए एक कप बच गया है तो मैं उसको भी उसमें भी प्लांट लगा देती हूँ। ये देखिए हावलचिया बहुत ब्यूटीफुली ग्रो किया है, बहुत छोटा सा प्लांट मैं लाई थी इसको, और ये अभी देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये मदर ऑफ थाउजेंड्स है। और इसका कप दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए बहुत छोटा सा कप है। एक ये कप डैमेज नहीं था पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा बच गया था, ये बाकी सारे टूट गए थे। ये देखिए इसमें भी मैंने यहाँ पर छेद किया हुआ है और इसके बाद मैंने इसको लगाया है। इसका मीडियम जो है आप बहुत इसमें सैंड वगैरह मिलाकर लगाइए ताकि क्या हो कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करे। ये देखिए, और इसमें देखिए बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं, और प्लांट देखिए कितना बड़ा है और कप का साइज़ देखिए कितना छोटा सा है। तो छोटे भी कप्स वगैरह में भी अच्छे से प्लांट लग सकते हैं, बस ज़रूरत है उनकी अच्छे से केयर करने की, सॉरी। और इसके बाद ये देखिए, ये यूफोबिया मिली है, ये देखिए, ये देखिए मिल्क पॉट में लगा हुआ है इस तरीके से, और देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। और मिट्टी देखिए, इसमें बहुत कम मिट्टी डाली है मैंने, और होल इसमें भी कराया है। होल बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट को लगाने के लिए। तो इस तरीके से ये देखिए, और इसको मैंने धूप में रखना शुरू कर दिया है अब, ताकि अब इसमें फ्लावरिंग आने लगे, क्योंकि मुझे इसके फ्लावर बहुत पसंद है। बहुत सुंदर है ये कप। और इसके साथ ही देखिए, मेरा एक सुगर पॉट था, इसमें ये देखिए मैंने लगा रखा है जेड प्लांट को, ये देखिए। तो ये इस तरीके के पॉट कप वगैरह आप सारे में कुछ ना कुछ तो लगा ही सकते हैं। ये देखिए मेरा एक कप था जो जिसका हैंडल टूट गया था, और यहाँ से भी थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो मेरे साथ ऐसे होता रहता है कि मेरा कप टूट जाता है या फिर ऐसे हैंडल निकल जाते हैं या फिर डैमेज हो जाता है। ये देखिए इसे मैंने प्रोटोला का लगा रखा है, ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है प्रोटोला का भी। इसमें प्लांट में ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हैं तो इसमें फ्लावर कभी कभी आते हैं, पर ये ग्रीन है और मेरे कप का यूज़ हो रहा है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ वो प्लांट जिसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस, ये देखिए ये मेरा एक कॉफ़ी मग है, ये भी हल्का सा देखिए यहाँ से डैमेज हो गया था। मैं क्या करती हूँ, मैं तो बस उससे रहती हूँ कोई भी पॉट डैमेज हो बस मैं उसका प्लांट लगाऊँ। इसमें देखिए ये ट्रायंगल हार्ट लगी है, और इसकी वाइन देखिए इस तरीके से कितनी लंबी लंबी से हो गई हैं। अब मैं इसको कटिंग करके दूसरे पॉट में भी लगा दूँगी इसको, ये देखिए। इसमें भी वही प्रॉ करना है आपको, यहाँ पर छेद करना है, जो मीडियम बनाइए उसमें सैंड डालिए, कोकोपीट का यूज़ ज़्यादा कीजिए, और बस लगा दीजिए प्लांट को इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि अब आप सब भी अपनी क्रॉकरी का कोई भी आइटम फेंकेंगे नहीं, कप्स हो या फिर इस तरीके का सुगर पॉट, टी पॉट, कोई भी पॉट हो आप सारे में लगा दीजिए। मैं तो कोई भी डब्बा भी नहीं फेंकती हूँ, मैं प्लास्टिक को रीयूज़ कर लेती हूँ, उसमें मैं अपना प्लांट ही लगा देती हूँ। इवन कि जो वो आती हैं बॉटल्स आती हैं जिसमें बैटरी का पानी आता है इन्वर्टर के लिए, मैं उस केन को भी खाली करके क्लीन करके
और उसमें सॉयल डाल के कटिंग करके ऊपर से, और सॉयल डाल के मैं उसमें भी प्लांट लगा देती हूँ। मैंने अपना लेमन ग्रास उसी में लगा रखा है, उसने भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी फ्री में इस तरीके से कोई भी पॉट वेस्ट किए बिना अपनी गार्डनिंग को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।